Hello everyone, the next topic in operating system tutorial is semaphores. So basically what semaphore does is it solves the problem of critical section. So it solves critical section problem. Okay, I'll quickly revise what critical section is. आप एक प्रोग्राम लिखते हो, प्रोग्राम में एक पोर्शन है कोड का जहां पर एक वेरिएबल है, से सपोज ए वेरिएबल, और वो वेरिएबल एक शेयर्ड वेरिएबल है. मतलब P1 प्रोसेस एंड P2 प्रोसेस बोथ आर यूजिंग दिस वेरिएबल. सो दैट इज अ शेयर्ड वेरिएबल. सो जिस भी एरिया में शेयर्ड वेरिएबल है उस एरिया को हम बोलेंगे क्रिटिकल सेक्शन. अब कोई वेरिएबल शेयर कर रहा है तो हम चाहते हैं कि अगर P1 इस वेरिएबल को शेयर कर रहा है तो उस टाइम जब तक P1 पूरा उसको एक्सेस नहीं कर सकता, कर लेता, एग्जीक्यूट नहीं कर लेता इस वेरिएबल को, तब तक P2 इसके अंदर एंटर ना करे. तो ये क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम होती है जो हमें सॉल्व करनी होती है. दैट मीन्स अगर एक टाइम पर एक प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर चुका है तो दूसरा प्रोसेस उस टाइम पर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर ना करे. सो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है यूजिंग सेमाफोर्स. सो बेसिकली वी हैव टू, इफ यू वॉन्ट टू सॉल्व दिस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, फर्स्ट वी हैव टू सेटिस्फाई 3 क्राइटेरियाज. अगर हम कह रहे हैं ना कि क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है तो ये 3 क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी. फर्स्ट क्राइटेरिया इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन. म्यूचुअल एक्सक्लूजन बोलता है कि अगर प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर चुका है तो फिर P2 उसमें एंटर नहीं करेगा. दैट मीन्स वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन एंटर द क्रिटिकल सेक्शन. थर्ड बोलता है प्रोग्रेस. प्रोग्रेस मीन्स से सपोज P1, P2, P3, P4 टिल PN प्रोसेसेस हैं से सपोज, और ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन है, मतलब वो कोड जहां पर एक शेयर्ड वेरिएबल है. सो P1 को क्रिटिकल सेक्शन में आना है, दैट मीन्स P1 को ए वेरिएबल को एक्सेस करना है. से सपोज P2 को भी ए वेरिएबल को एक्सेस करना है, जरूरी नहीं है P3 को भी एक्सेस करना है. तो प्रोग्रेस क्या बोलता है कि कॉम्पिटिशन उन्हीं प्रोसेसेस का करवाओ जिन्हें क्रिटिकल सेक्शन में आना है. अगर P1 को क्रिटिकल सेक्शन में आना है तो वो कम्पीट करेगा P2 से, इफ P2 ऑल्सो वॉन्ट्स टू wanted to enter the critical section. अगर P3 को नहीं आना तो हमें उसके साथ compete ही नहीं करना है. ठीक है, समझ में आ रहा है? Progress का मतलब होता है the process that wanted to enter into the critical section can only do the race. आपस में वो ही compete करेंगे. अगर P4 को नहीं जाना है तो वो उसके बीच में compete ही नहीं करेगा. ठीक है, अगर P4 को critical section में नहीं जाना तो वो नहीं जाए, मतलब वो P1 और P2 के बीच में race नहीं लगाएगा. समझ में आया? दैट इज प्रोग्रेस. तो मतलब अननेसेसरीली हम P4 को नहीं पूछेंगे कि दैट इट वॉन्ट्स टू एंटर टू द क्रिटिकल सेक्शन और नॉट, तो वो इनके साथ कम्पीट ही नहीं करेगा. दैट इज प्रोग्रेस. देन नेक्स्ट थर्ड वन इज बाउंडेड वेट. बाउंडेड वेट क्या बोल रहा है कि अगर P1 क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो उसके लिए वेट करने का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो पूरे टाइम वेट ही करता रहे इनडेफिनेट टाइम के लिए और उसको टर्न ही ना आए क्रिटिकल सेक्शन में आने की. मतलब अगर P1 जाना चाहता है तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही वो वेट करे. बेसिकली वो ये कहना चाहता है कि स्टार्वेशन की प्रॉब्लम ना हो. दैट्स इट. सो ये तीनों क्राइटेरियाज अगर कोई सॉल्व करता है, कोई भी सॉल्यूशन अगर मैं दे रही हूँ कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वो जो सॉल्यूशन होगा, से सपोज मैंने बोला मैंने एक ए सॉल्यूशन बनाया है, ए है मेरे सॉल्यूशन का नाम, और वो सॉल्यूशन क्या है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो मेरा जो ये ए सॉल्यूशन है ये इन तीनों क्राइटेरियाज को फुलफिल करे, सेटिस्फाई करे, तभी हम कहेंगे कि हाँ ये सॉल्यूशन ठीक है टू सॉल्व दिस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. सो वन ऑफ द सॉल्यूशन इज सेमाफोर्स. सेमाफोर सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्रिटिकल सेक्शन. दैट मीन्स सेमाफोर इन तीनों क्राइटेरियाज को फुलफिल करता होगा. Now let's discuss what semaphore is. So semaphore कुछ नहीं है, एक integer variable है. जैसे मैं बोलती हूँ ना int a, वैसे ही एक variable है. It is an integer variable that solves the critical section problem. After initialization, it can only be accessed by two atomic operations.
सो जैसे मैंने, हम सी में क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, हम इंट ए ऐसे लिखते हैं हम. सो इंट ए एक वेरिएबल है, तो इसको भी मैं बोल सकती हूँ ए इज अ सेमाफोर. से क्योंकि ये एस सेमाफोर एस से स्टार्ट होता है, तो हम हमेशा इसको इंट एस लिखते हैं. सेमाफोर, दिस इज अ सेमाफोर, दैट्स इट. ये एक इंटीजर वेरिएबल ही सेमाफोर है, ठीक है. सो सेमाफोर क्या कर रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है. अब वो कैसे सॉल्व कर रहा है वो हम देखेंगे आगे. सो अभी क्या बोल रहा है, आफ्टर इनिशियलाइजेशन, मतलब से सपोज मैंने इनिशियलाइज कर लिया इसको एस इक्वल टू वन से. सो जैसे ही हम इसको इनिशियलाइज करते हैं सेमाफोर की वैल्यू को, इट कैन ओनली बी एक्सेस, मतलब इसकी वैल्यू को चेंज करना, मतलब एस इक्वल टू वन है तो मैं एस इक्वल टू टू डायरेक्टली नहीं कर सकती, या एस इक्वल टू फोर डायरेक्टली नहीं कर सकती. इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ऑपरेशंस हैं. फर्स्ट ऑपरेशन है वेट ऑफ एस, पहला ऑपरेशन है वेट, दूसरा एटॉमिक ऑपरेशन है सिग्नल. आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते. यूजिंग दीज टू ऑपरेशंस ओनली वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ सेमाफोर. तो पहले वेट क्या बोलता है, वेट एस से सपोज मैंने इनिशियली अपने सेमाफोर की वैल्यू लिखी है वन, ठीक है. तो मैंने लिखा एस इक्वल टू वन, तो अभी क्या वैल्यू है एस की, सेमाफोर की वैल्यू है वन. तो यहां पर हमने वाइल लूप लगाया, वाइल वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स. सो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई, एस की वैल्यू क्या हो गई, वन से हटकर जीरो हो गई, ठीक है. अब दोबारा से हम वेट को अगर कॉल करते हैं, नाउ वेट की क्या वैल्यू है, सेमाफोर की क्या वैल्यू है, जीरो, कंडीशन ट्रू हो गई. अब वो इसी में वाइल की कोई बॉडी नहीं है, आपने देखा होगा यहां पे डायरेक्टली एक सेमी कॉलन लगाया हुआ है, दैट मीन्स इट इज नथिंग बट अ ट्रैप. जब सेमाफोर की वैल्यू जीरो होगी तो ये यहीं पर घूमता रहेगा, क्योंकि वाइल की कोई बॉडी नहीं है, तो जीरो इक्वल टू जीरो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वाइल में ही ये घूमता रहेगा, तो मतलब क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगा. वो मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे ये क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. अभी यहां पर मैं सिर्फ ये फोकस कर रही हूं कि सेमाफोर होता क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल जिसकी वैल्यू एक बार इनिशियलाइज हो गई उसको हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते. अगर हमें उसकी वैल्यू को चेंज करना है, जैसे कि एस अगर वन था तो वन से जीरो कैसे हुआ, यूजिंग दिस ऑपरेशन. या तो हम ए ऑपरेशन यूज करके सेमाफोर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, या हम वेट यूज करके कर सकते हैं. तो अभी इनिशियली जैसे मैंने एस की वैल्यू वन ली थी, तो एस की वैल्यू जीरो कैसे हुई है, क्योंकि मैंने ये एग्जीक्यूट किया है, ये फंक्शन एग्जीक्यूट किया है. सो अब नेक्स्ट टाइम दोबारा से मैंने वेट जब कॉल किया तो जीरो इक्वल टू जीरो, तो जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गई वाइल लूप में ही इनडेफिनेट टाइम के लिए घूमता रहेगा, क्योंकि यहां पे सेमी कॉलन है, ये नेक्स्ट लाइन पर जा ही नहीं पाएगा. दूसरा ऑपरेशन है सिग्नल इक्वल टू एस. मान लो एस की वैल्यू वन है तो डायरेक्टली तो हम चेंज नहीं कर सकते एस की वैल्यू को, तो किससे, अगर हमने ये वाला फंक्शन कॉल किया तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, डायरेक्टली एस की वैल्यू को एक बढ़ा रहा है, मतलब अगर वन है तो ये हो गया टू. दोबारा अगर सिग्नल कॉल करूंगी तो टू की जगह क्या हो जाएगा, थ्री. तो आपने देखा होगा कि सेमाफोर एक नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल है जिसका काम क्या है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करना. और एक बार अगर हम सेमाफोर की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो हम ये ऑपरेशन कॉल करेंगे. और वेट ऑपरेशन क्या कर रहा है, एस की वैल्यू को माइनस माइनस करता है, और सिग्नल एस की वैल्यू को क्या करता है, प्लस प्लस करता है. जीरो है तो माइनस वन, वन है तो टू हो जाएगा, दैट्स इट. अब हम देखते हैं क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग सेमाफोर. सो सॉल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम यूजिंग सेमाफोर. तो अब देखो, अभी हम हमारे पास ये प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3, P4 टिल PN. ये इतने सारे प्रोसेसेस हैं और सारे प्रोसेसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना है, ठीक है. तो इनिशियली मान लो कि P1 ने बोला कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. सॉल्व करना मतलब वो तीनों क्राइटेरियाज को फुलफिल करना है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेट. म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है, एक बार में एक ही जाना क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा. सो अगर P1 को भी जाना है, P2 को भी जाना है, मतलब मान लो P1 क्रिटिकल सेक्शन में आ गया तो फिर P2 नहीं जा सकता क्रिटिकल सेक्शन में, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है. तो अभी मान लो P1 क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रहा है, तो जैसे ही P1 क्रिटिकल सेक्शन में आया, मतलब उसने ये कोड एग्जीक्यूट किया, सो डू वेट एस. अभी इनिशियली मान लो एस की वैल्यू 1 है, क्लियर. तो एस की वैल्यू 1 है तो ये फंक्शन कॉल होगा वेट एस. ये फंक्शन क्या कोड, ये क्या कोड था इसका, दिस वेट एस, मतलब एस की वैल्यू क्या है, 1. 1 इज
अभी हम दोबारा से ये वाला फंक्शन, क्योंकि हमने ये फंक्शन कॉल किया है तो अभी डायरेक्टली क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकते, अभी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। और ये वेट फंक्शन की कोडिंग क्या है, ये क्या कहता है, s की वैल्यू है अभी इनिशियली 1, सो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0 विच इज फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स हुई तो s की क्या वैल्यू हो गई, -1, तो यानी कि s की वैल्यू क्या हो गई अब 0, ठीक है। सो 1 की जगह अब हो गया 0, तो ये एग्जीक्यूट हो गया, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, अब वो क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि कैसे क्रिटिकल सेक्शन में आया, उसने पहले ये फंक्शन एग्जीक्यूट किया। वेट क्या कहता है, s इक्वल टू अगर 1 था तो फिर वो कंडीशन वाइल कंडीशन चेक होगी, दैट इज फॉल्स, तो s की वैल्यू क्या हो गई अब 0, तो यानी कि ये फंक्शन अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया, अब p1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। अब मान लो p2 ने बोला कि मुझे भी क्रिटिकल सेक्शन में आना है, ठीक है। अब ऑलरेडी p1 है तो अगर सेमाफोर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है मतलब वो p2 को अंदर नहीं आने देगा, तो अब देखते हैं क्रिटिकल, अब कैसे ये p2 अंदर आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, हमारी करंट वैल्यू s की 0 है, अभी 0 हुई थी ना ये वाला एग्जीक्यूट हुआ था, तो अब s की वैल्यू है 0। अब फिर से p2 ने ट्राई किया क्रिटिकल सेक्शन में जाने का, p1 ऑलरेडी है, ठीक है, p2 ने ट्राई किया क्रिटिकल सेक्शन में जाने का, तो फिर से उसको भी ये वाला वेट फंक्शन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। अब वेट फंक्शन फिर से हम इसकी कोडिंग देखते हैं, अब क्या है, इस टाइम पे सेमाफोर की वैल्यू क्या हो गई है, 0। अब p2 कर रहा है ना, तो p2 के टाइम पे सेमाफोर की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि p1 ने उसको 0 कर दिया था, तो अभी करंट वैल्यू है सेमाफोर की 0, सो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू है, तो वो यहीं वाइल लूप में ट्रैप में फंस जाएगा, p2 ट्रैप में फंस जाएगा, वेट ही करता रहेगा पूरे टाइम, क्यों, अब क्या, क्योंकि s की वैल्यू 0 है, कंडीशन ट्रू हो गई है वाइल कंडीशन, तो वो यहीं पे घूमता जा रहा है। अब क्या है कि वो वेट p2 जो है वो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया पूरा, इस लाइन पर पहुंच ही नहीं पाया, इस यहीं पे घूम रहा है, दैट मींस अभी वेट फंक्शन यहीं पे घूम रहा है वो, तो वो क्रिटिकल सेक्शन में जा ही नहीं पाएगा, p2 क्रिटिकल सेक्शन में जा ही नहीं पाएगा। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। अब बाउंडेड वेट को भी सॉल्व करना है हमें, कि p2 ये ना हो कि p2 पूरे टाइम वेट ही करता रहे और बेचारा p2 जा ही ना पाए क्रिटिकल सेक्शन में, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सेमाफोर क्या कहते हैं, सारी कंडीशंस क्राइटेरियाज को फुलफिल करेगा। सो अब p2 यहां पर वेट कर रहा है कि मेरा कब टर्न आएगा, सेमाफोर की वैल्यू कब 1 होगी और मैं वेट फंक्शन को पूरे तरह से एग्जीक्यूट कर पाऊं ताकि मैं यहां पे क्रिटिकल सेक्शन में आ पाऊं, तो अभी वो यहीं पे घूम रहा है, अभी वो इस लाइन पे पहुंचा ही नहीं है p2। तो अब क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन में आ गया p1 अपना काम कर रहा है, पूरे वेरिएबल्स उसने एग्जीक्यूट कर लिए, सारा काम फिनिश हो गया p1 का। अब p1 क्रिटिकल सेक्शन पे बाहर आया तो एक फंक्शन आया सिग्नल s, तो सिग्नल s अभी करंटली सेमाफोर की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है, s की वैल्यू 0 है क्योंकि अभी p1 ने 0 किया था उसको। तो अब क्या हुआ, p1 ने कॉल किया सिग्नल s, तो सिग्नल को कॉल किया, सिग्नल का काम क्या होता है, एक बढ़ाना, सेमाफोर की वैल्यू को एक बढ़ाना, ठीक है। तो अब s 0 से क्या हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, और ये रिमाइंडर सेक्शन और ये p1 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ गया। अब क्रिटिकल, अब सेमाफोर की वैल्यू क्या है, 1 है। अब क्या होगा, जो p2 यहां पर अटका हुआ था, वेट कर रहा था, जैसे ही सेमाफोर की वैल्यू 1 हो गई, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, फॉल्स हो गई, तो फिर ये यहां पर आ गया s इक्वल टू 0। अब फिर अब वो ये फंक्शन, अब क्या हो गई, सेमाफोर की वैल्यू 1 से 0 हो गई। अब जैसे ही 0 हुई मतलब p2 ने वेट फंक्शन को पूरी तरह से एग्जीक्यूट कर लिया, अब p2 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गया क्योंकि p1 चला गया था। सो बेसिकली ना हो क्या रहा है, मैं आपको एक शॉर्ट में अगर बताऊं, ये रहा क्रिटिकल सेक्शन, ये रहा p1, ये रहा p2। अगर p1 यहां पर आ गया तो p2 को भाई वेट करना पड़ेगा, ठीक है, और p1 जब अपना काम खत्म करके चला गया तो उसने सिग्नल देकर बता दिया कि मैं एग्जिट कर चुका हूं, अब p2 इसके अंदर आ सकता है। और ये वेट और सिग्नल ही हमारे ऑटोमिक ऑपरेशंस है सेमाफोर्स के, तो विद द हेल्प ऑफ एक नॉर्मल सा वेरिएबल यूज करके हम अपने क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली ना सेमाफोर्स टू टाइप्स का होता है, ये एक होता है बाइनरी सेमाफोर, बाइनरी, और दूसरा होता है काउंटिंग। जो बाइनरी होती है ना उसकी वैल्यू 2 होती है, 1 या फिर 0, 1 एंड 0, एंड काउंटिंग की माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। सो टू टाइप्स ऑफ सेमाफोर्स वी हैव, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेमाफोर्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।